पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स में फर्स्ट है रोज, लोटस, डेजी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पेरीविंकल, मोगरा, जास्मीन और सूफ्लावर। एक बार फिर से देख लो, रोज, लोटस, डेजी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पेरीविंकल, मोगरा, जास्मीन और सूफ्लावर। जब आपको कोई फ्लावर दिखाए और आपको पूछे कि ये कौन सा फ्लावर है तो आपको उसको बताना आना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में सबसे प्लांट का ये जो जड़ें होती है उसको हम कहेंगे रूट्स। ये क्या है? फ्रूट ऑफ अ प्लांट। और ये जो बीच में होता है प्लांट के उसको हम कहेंगे स्टीम। फिर है लीफ। लीफ कहाँ पे है? ये है लीफ ऑफ अ प्लांट, ये है फ्लावर ऑफ अ प्लांट। और जब ट्री होती है तो ट्री में ये जो स्टीम होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको ट्री के स्टीम को हम कहेंगे ट्रंक। ओके, हमें जो लेसन स्टोरी पढ़नी है नेक्स्ट द गिविंग ट्री, उसमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। रीड द स्टोरी। स्टोरी का नेम है द गिविंग ट्री, यानी कि देने वाला ट्री। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। जब आप अपनी कोई चीज़ किसी और के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा फील होता है? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। ये स्टोरी नहीं है, ये प्ले है, तो इस प्ले को आप रीड करो और आप जान सकोगे कि जब ट्री किसी को कुछ हेल्प करती है, ये छोटे से बच्चे को वो हेल्प करती है, तो ट्री कैसा फील करती है, ये इस प्ले में बताया हुआ है। हम हमारा प्ले स्टार्ट करते हैं। नैरेटर सेज। नैरेटर यानी कि स्टोरी टेलर, जो स्टोरी को बताता है उसको हम कहेंगे नैरेटर। नैरेटर सेज, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। वंस यानी कि एक बार की बात है, वहाँ पे एक ट्री थी, वो छोटे से बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। यहाँ पे विजिट यानी कि गो टू मीट यानी कि मिलने जाना, और कंपनी यानी कि फ्रेंडशिप। एवरी डे यानी कि हर रोज़ द बॉय, जो बॉय था वो ट्री के मिलने जाता था। जो ट्री थी वो उसे हर रोज़ मिलने जाता था। एंड एन्जॉय इट्स फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन कंपनी। उसे उसकी ट्री की कंपनी पसंद थी। ट्री सेज, जब बॉय ट्री से मिलने जाता था तो ट्री क्या कहती थी? ट्री सेज, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। ट्री कहती थी कम हियर, मेरे पास आओ, कम एंड क्लाइंब और क्लाइंब माय ट्रंक, उसका जो ट्रंक था उस पर क्लाइंब करो, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस और मेरी ब्रांचेस जो है उसको स्विंग करो। फिर बॉयज क्या करता था? बॉय सेज, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आह व्हाट अ फन। फिर बॉयज क्या करता था? ट्री की जो ब्रांचेस थी उसमें स्विंगिंग करता था और उसको बहुत मजा आता था। ट्री सेज, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। जब वो हंग्री यानी कि उसको भूख लगती थी तो ट्री उससे पूछती थी, क्या तुम्हें भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स, जो तुम्हें भूख लगी हो तो मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय सेज, ईटिंग एप्पल्स, वो खाते खाते बोलता है एप्पल्स को, हाउ डिलीशियस, यानी कि कितने टेस्टी है। डिलीशियस मीन्स है वेरी टेस्टी। नैरेटर सेज, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब बॉय बहुत टायर्ड यानी कि वो थक जाता है, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो वो ट्री के नीचे सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सेड, जब ट्री उसका सेड यानी कि उसका छाया उसको देती थी तो उसको बहुत हैप्पीनेस यानी कि वो बहुत हैप्पी फील करती थी। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे टाइम जाता रहा द बॉय ग्रू ओल्डर यानी कि वो बड़ा होता गया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया।
द ट्री वॉज ऑफ्टन, ऑफ्टन यानी कि मैनी टाइम्स, अलोन, अलोन यानी कि लोनली, वो अकेला हो गया ट्री. आफ्टर सम ईयर्स, बहुत ईयर के बाद. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. बहुत ईयर यानी कि बहुत सालों के बाद वो जो छोटा सा बच्चा था वो बड़ा हो गया था. वो ट्री से मिलने आता है. ट्री जैसे ही उसे देखती है वो खुश हो जाती है. ट्री सेज, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. जैसे वो बॉय से पहले से कहती थी वैसा ही वो अब उसे कहती है कि तुम आओ मेरे ट्रंक पर क्लाइंब यानी कि चढ़ो और मेरी ब्रांचेस के साथ झूले झूलो. फिर बॉयज कहता है, बॉय सेज, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं बड़ा हो गया हूँ क्लाइंब और खेलने के लिए. आई वेंट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. मुझे बहुत सारी थिंग्स बाय यानी कि लेने जाना है और मुझे मज़े करने हैं. आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे मनी, मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो. फिर ट्री क्या कहती है, ट्री सेज, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. ट्री कहती है मुझे माफ़ कर दो पर मेरे पास मनी नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स एंड एप्पल्स है. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन मार्केट. वो कहती है मेरे एप्पल्स को तुम प्लक, प्लक का मीन है पुल आउट, मेरे एप्पल्स तुम ले लो और उसको मार्केट में जाके बेच दो. देन यू विल हैव मनी, तो उससे तुम्हें मनी मिल जाएगी. फिर नैरेटर कहता है, नैरेटर सेज दैट द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. कैरिड अवे का मीन होता है टूक अवे, यानी कि वो ले जाता है उसको. जो बॉय है वो हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी सारे एप्पल्स को लेता है और उसको लेके जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. ट्री भी बहुत हैप्पी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प कर सकी. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वॉज स्टेड. जो बॉय था वो बहुत टाइम के लिए नहीं आया, इसलिए ट्री फिर से सेड हो गई. वन डे, एक दिन क्या होता है, द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय. एक दिन फिर से बॉय आता है और ट्री फिर से खुश हो जाती है. ट्री सेज, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. ट्री उसे फिर से कहती है, कम बॉय, मेरे पास आओ, मेरी क्लाइंब करो ट्रंक पे, मेरी जो ब्रांचेस है उसमें स्विंग यानी कि झूले झूलो, मेरे एप्पल्स को खाओ खेलो और मेरे शेड के नीचे रेस्ट करो और हैप्पी हो जाओ. फिर बॉय क्या कहता है ट्री से, बॉय सेज, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. वो बॉय कहता है मैं बहुत बिजी हूँ ट्री को क्लाइंब करने के लिए. आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो गई है, मैं मैरिड हूँ. एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, और मुझे एक हाउस चाहिए मेरी वाइफ के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन. कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे हाउस दे सकती हो. तो फिर ट्री क्या आंसर करती है, ट्री सेज, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस. ट्री कहती है मेरे पास हाउस नहीं है पर तुम मेरे ब्रांचेस को कट करके उसमें से हाउस बना सकते हो. नैरेटर सेज, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. फिर वो क्या करता है, नैरेटर कहता है वो जो बॉय था वो ट्री की सारी ब्रांचेस कट करता है और उसको साथ में लेके जाता है उसका घर बनाने के लिए. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. फिर से ट्री बहुत हैप्पी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प कर सके. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सेड अगेन. फिर से वो जो बॉय था वो बहुत दिनों के लिए वापस नहीं आया था, इसलिए वो जो ट्री थी वो फिर से सेड हो गई. एंड वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स, फिर क्या होता है, थोड़े सालों के बाद वो फिर से वापस आता है. द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. वो जब आता है तो ट्री उसको देख के बहुत खुश हो जाती है. Hardly speak, उसको देख के वो बोलती है, Now the boy was a young man. जो बॉय था वो यंग मैन हो चुका था.
ट्री सेज कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बॉय मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? यंग मैन सेज आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे बोट चाहिए जो मुझे लेके जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकती हो? तो ट्री क्या कहती है? ट्री सेज ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास जितना भी था वो चला गया, अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक ही बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरी ट्रंक है उसको भी तुम कट कर दो और उसमें से बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और जिसे तुम तैर सको। नैरेटर सेज द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, जो यंग मैन था उसने ट्री का ट्रंक कट कर दिया और उसमें से बोट बनाने के लिए। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, जो ट्री थी उसके सारे एप्पल्स चले गए थे, उसके लीव्स चले गए थे, उसकी ब्रांचेस भी चली गई थी, अब उसका जो ट्रंक था वो भी चला गया था, तो ट्री के पास अब सिर्फ उसका स्टम्प ही बचा था। फिर क्या होता है? एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। बहुत साल चले जाते हैं, बहुत ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स जो बॉय था वो फिर से आता है, पर वो ओल्ड हो गया होता है, यानी कि वो उसकी एज बहुत बढ़ गई होती है, तो भी जो ट्री थी उसको रिकॉग्नाइज, यानी कि वो छोटा सा बच्चा उसे याद था। ट्री सेज आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री क्या कहती है? आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो पर मेरे पास अब देने के लिए अब कुछ नहीं बचा। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे जितने भी एप्पल्स थे वो सब चले गए। ओल्ड मैन सेज माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, ओल्ड मैन क्या कहता है? मेरे जो टीथ है वो बहुत वीक है, मैं एप्पल्स नहीं खा सकता। ट्री सेज माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। ट्री कहती है मेरी सारी ब्रांचेस चली गई, तुम उस पर स्विंग नहीं कर सकते। ओल्ड मैन सेज आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, वो कहता है मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ ब्रांचेस में स्विंग करने के लिए। ट्री सेज माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम। ट्री कहती है मेरा जो ट्रंक था वो चला गया, अब तुम क्लाइम यानी कि उसमें चढ़ नहीं सकते। ओल्ड मैन फिर क्या कहता है? ओल्ड मैन सेज आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं क्लाइम करने के लिए बहुत थक जाता हूँ। फिर क्या होता है? ट्री सिंगिंग, ट्री उसे कहती है, ट्री क्या करती है? सिंगिंग आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। ट्री कहती है मैं सॉरी हूँ इसके लिए कि मैं जो विश करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ मैं ओल्ड स्टम्प हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन सेज, फिर जो ओल्ड मैन था, छोटा सा बच्चा अब ओल्ड हो चुका था तो ओल्ड मैन बन गया था, वो कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने मुझे हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्विक प्लेस टू सीट एंड रेस्ट, मुझे सिर्फ प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं सीट और रेस्ट, यानी कि मैं जहाँ बैठ सकूँ और रेस्ट कर सकूँ। ट्री सेज हैप्पीली, फिर ट्री है वो हैप्पीली कहती है वेल, अच्छा ठीक है, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। वो कहती है ये जो मेरा ओल्ड जो स्टम्प है वो अच्छा रहेगा बैठने और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, कम मेरे फ्रेंड यानी कि आ जाओ मेरे फ्रेंड, यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो। फिर नैरेटर सेज द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, ट्री ने फिर से किसी के लिए कुछ किया इसलिए ट्री फिर से हैप्पी हो जाती है। ओके, अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सेल सिल्वेस्ट्रिंग। ओके, न्यू वर्ड्स, इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स है स्विंग, डिलीशियस, प्लक, ट्रिप, सेल, स्टम्प और रेकोगनाइज्ड। सिंगिंग का मीन होता है अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, जब हम सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए यूज होता है सिंगिंग। स्विंग मीन झूला झूलना, डिलीशियस का मीन होता है टेस्टी, प्लक का मीन होता है कुछ चीज़ चूंटना,
ओके, स्टम्प का मीन होता है द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्री लेफ्ट आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज फॉलन और बीन कट डाउन। जब सारी ट्रंक कट डाउन हो जाती है, मतलब उसको काट दिया जाता है, तो जो बाकी बचता है उसको हम कहेंगे स्टम्प। ओके, और लास्ट में जो स्टम्प बचता है उस पर यंग मैन जो था वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो ओल्ड मैन बन चुका था, वो उस पर बैठता है और रेस्ट करता है।